नमस्कार, हमारे डिबेट शो मसला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। केंद्र सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार भी जल्द ही प्रदेश का सालाना बजट पेश करने जा रही है और इसके लिए आज एक प्री बजट मीटिंग चंडीगढ़ में की गई है। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों और तमाम प्रशासनिक सचिवों के साथ बजट पर चर्चा की है। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में पिछले साल के बजट में की गई घोषणाओं को रिव्यू भी किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने मंत्रियों के साथ 5 घंटे से अधिक मंथन किया। सीएम ने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ प्री बजट पर चर्चा की और इस दौरान 2022 में बजट को लेकर की गई घोषणाओं पर भी मंत्रियों ने मंथन किया है। बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा सरकार आर्थिक सीमाओं को ध्यान में रखकर बजट ला रही है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों को बताया है कि इस बार बजट में 6 मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा कई और नई योजनाओं को शामिल भी किया गया है। सरकार के सभी मंत्रियों ने भी अपनी राय रखी है, जिसको बजट में भी शामिल किया जाएगा। पहले तो केंद्र का बजट आया है 1 फरवरी को और अब 20 फरवरी को हमारा हरियाणा स्टेट का अपना जो अधिवेशन है वो हमने आहूत किया है, बजट का सेशन है। प्रारंभ में राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा होती है, धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है, उसके बाद बजट पेश किया जाता है। आज विभिन्न जो विभाग सारे हैं उनके सबके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, उनके HODs और मेरे जो मंत्रिमंडल के साथी सब आज बैठे थे और बहुत एक प्रकार से विचार किया जाता मोटा मोटा कि भाई कौन कौन सी योजनाएं हमारी पिछले सालों की जो चल रही हैं उसमें आगे उनको किसको बढ़ाना है, किसमें थोड़ा मॉडिफाई करना है, कौन सी नई योजनाएं बनाई जाएंगी और किस प्रकार का बजट होना चाहिए। हर विभाग के अनुसार भी चर्चा होती है मोटी मोटी, लेकिन कोई चीज़ फाइनल नहीं होती है क्योंकि एक फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक के आधार पर नई योजनाएं बनाने के लिए उनके पास समय होता है। 20 तारीख को हमारा सेशन शुरू होगा और उससे कुछ दिन पहले तक सब सुझाव हमारे पास आ जाएंगे। विधायकों से भी हमने सुझाव मांगे हैं, कल हमारी सांसदों के साथ भी बैठक है। 20 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। सीएम मनोहर लाल की बड़ी बातें आपको बता रही हैं। 20 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट होगा शुरू। बैठक में पिछले साल की घोषणाओं का किया रिव्यू। सरकार की चल रही योजनाओं पर लिए गए हैं सुझाव। वेस्ट टू वेल्थ के संयंत्र लगाकर भी आगे बढ़ेगी सरकार। बड़ी बातें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रही हैं। गरीबों के लिए बजट हो, इस पर काम कर रही है सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री 14 फरवरी को आएंगे करनाल। ग्राफिक्स के जरिए हम बड़ी बातों का जिक्र कर रहे हैं और आपको बता दें कि प्री बजट को लेकर चर्चा की गई है। तमाम मंत्रियों से सुझाव भी लिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको बैठक के दौरान की दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर तैयारियां भी चल रही है। प्री बजट पर आज बैठक की गई और बैठक में जो वहां तमाम मंत्री मौजूद थे उनसे सुझाव लिए गए और साथ ही कई बातों पर मंथन भी किया गया है। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैठक में किन बातों को लेकर चर्चा की गई है उनका उन्होंने जिक्र किया। प्री बजट पर आज चंडीगढ़ में बैठक हुई और बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में कई विभाग के मंत्री भी शामिल हुए, साथ ही जो मंत्री थे उनसे सुझाव भी लिए गए। तस्वीरें हम आपको बैठक के दौरान की दिखा रहे हैं, जब सीएम मनोहर लाल बैठक में मौजूद थे उनके साथ कई विभाग के मंत्री भी मौजूद थे। हालांकि इस बार के बजट में काफी कुछ खास होगा और जो केंद्रीय का बजट 1 फरवरी को पेश किया गया है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होके इस बार का भी बजट हरियाणा का लाया जाएगा और इस बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि देखा जिस तरीके से 1 फरवरी को जो केंद्र का बजट पेश किया गया था उसमें महिलाओं के लिए रोजगार से संबंधित, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया था और 20 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। बता दें आपको कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र शुरू होगा।
ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बड़ी बातों के बारे में बता रहे हैं। गरीबों के लिए बजट हो, इस पर काम भी सरकार कर रही है और इस बार के बजट में बहुत कुछ खास है, क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव होना है। केंद्रीय बजट भी पेश हो चुका है और अब हरियाणा का बजट जल्द ही पेश किया जाएगा और इससे पहले मंत्रियों के साथ बैठक हुई और इस बैठक में तमाम बातों पर मंथन किया गया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आकाश जिंदल जी जुड़ गए अर्थशास्त्री जी। आकाश जी स्वागत है आपका। सत्यव्रत शास्त्री जी बीजेपी प्रवक्ता है, शास्त्री साहब बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक कांग्रेस प्रवक्ता है, कौशिक साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और कृष्ण कुटेल जी ये प्रवक्ता है इनोलो की, तो आपका भी कुटेल साहब स्वागत करती हूं। और मैं सबसे पहले आऊंगी सबसे आकाश जिंदल जी के पास, कैसे देखती हैं आप इस बजट को, क्योंकि पेश किया जाना है और इस बार कहीं ना कहीं मंत्रियों से भी विचार विमर्श किया जा रहा है, मंथन हुआ है बजट को लेकर, आज प्री बजट इसे मंथन भी कह रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि बजट से पहले सुझाव दिए जा रहे हैं, सजेशन दिए जा रहे हैं, मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूं। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट की तरफ से हरियाणा सरकार को पहला सुझाव यह है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर किसान हमारे अन्नदाता के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, बिकॉज हरियाणा की इकोनॉमी जो है रूरल सेंट्रिक इकोनॉमी है, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। सबसे पहले मेरी सजेशन ये है कि आज हमारे किसान भाई को, अन्नदाता को जब लोन लेना पड़ता है तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है 9%, 12%, 15%, तो वो 0% होना चाहिए। देखिए कितनी अजीब स्थिति है देश में, आकाश जिंदल जैसे व्यक्ति को अगर 5 करोड़ का फ्लैट लेना है तो उसे लोन शायद 0% में मिल जाता है, क्योंकि शायद बिल्डर की सबवेंशन होती है। आकाश जिंदल जैसे व्यक्ति को अगर आपकी गाड़ी लेनी है तो शायद 0% में लोन मिल जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की सबवेंशन होती शायद। लेकिन हमारा किसान, हमारा अन्नदाता जो आकाश जिंदल से कहीं ज्यादा रेलिवेंट है इकोनॉमी के लिए, उसे देना पड़ता है 12%, 14% इंटरेस्ट। सजेशन ये है कि डीजल के लिए वैट रिड्यूस किया जाए, क्योंकि वैट रिड्यूस करके क्या होगा, वैट स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, किसान भाई के लिए डीजल जो है बहुत रेलिवेंट है, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन उससे कम हो जाए। आज देखिए ठीक है, हमारा देश फास्टर जीडीपी ग्रोथ करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी गाइडेंस के अंदर वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आज हमारे मुकाबले ना अमेरिका है, ना चाइना है, ना जर्मनी है, यूके है। ठीक है, मैं आपको मैं उसे सिर्फ समय दीजिए, मैं थोड़ा बेसिक बता दूंगा। जिंदल जी विस्तार से बात करेंगे, थोड़ा समय कम है, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर शास्त्री जी के पास जाऊंगी, आपके पास फिर से आएंगे, आराम से चर्चा करेंगे। शास्त्री साहब अभी आप अर्थशास्त्री जी को सुन रहे थे, क्या कहेंगे इस बजट को लेकर जो जनता की उम्मीदें हैं? लगता है कि केंद्र बजट की तरह कहीं ना कहीं ये जो राज्य का बजट होगा वो लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से, वैसे तो ये जो केंद्र का बजट हम सबने देखा है उसकी छाया इसके ऊपर जरूर दिखेगी, और वो इसलिए नहीं दिखेगी, मैं अपने राजनीतिक जो साथी हैं उनको इस बात के लिए पहले से बोल दूं कि इसको रेवड़ी बजट नहीं कहा गया। मैंने केंद्रीय बजट पर भी डिबेट की तो मैंने कहा केंद्र की ओर से भी रेवड़ी बजट नहीं है और हरियाणा की ओर से भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कठोर बजट होगा। बजट होगा जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी जरूरतें पूरी हो, और क्योंकि बजट कुछ लेने का और कुछ देने का होता है, किसी वर्ग से लेना होता है तो किसी वर्ग को देना होता है, इसलिए सामंजस्य जो है मुझे लगता है कि किसान को, युवा को, नए उद्यमियों को और विशेष रूप से गरीब कल्याण के लिए आवास और उसके स्वास्थ्य की चिंता की जाएगी। निश्चित रूप से ये वो बिंदु है जिनकी आवश्यकता है और जिनके लिए बजट होना चाहिए, जिनके लिए ये व्यवस्थाएं खड़ी होनी चाहिए, जिससे कि सबको समान अवसर और समान एक देश के विकास की भागीदारी में सबका हिस्सा हो सके, ऐसा बजट का प्रावधान यदि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां करती है उसी के कारण से देश जनता के लोग उसको पसंद करते हैं। इसलिए केवल चुनाव के नाते, केवल कुछ लोगों से तालियां बजवाने के लिए बजट नहीं होता, बल्कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश के हर वर्ग का उसके अंदर हिस्सेदारी हो, और बजट के माध्यम से हर वर्ग को कुछ न कुछ
उसके उत्थान के लिए, उसके दैनंदिन जीवन के लिए मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल शास्त्री जी, ठीक है। कौशिक साहब कुछ कहना चाह रहे थे, कौशिक साहब के पास ही आना था मुझे भी। कौशिक जी बोलिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ये कह रही है कि केंद्रीय बजट की छाया इनके बजट पर होगी, ठीक है, तो समझ लीजिए कि हरियाणा का बजट भी एक ढकोसला साबित होने वाला है, जिसके ऊपर आम जनता के ऊपर टैक्सों की मार बढ़ेगी, आम जनता लूटेगी पिटेगी और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बजट की बात करते हैं, इन्होंने पिछले बजटों से इस प्रदेश का क्या विकास कर दिया, क्या भला कर दिया। आज फरीदाबाद के, गुड़गांव के प्रदूषण की बात ही नहीं करते, आज अरावली की श्रृंखलाओं पर जो अवैध निर्माण है उनकी कोई बात नहीं करते। पीएलपीए एक्ट, अंग्रेजों को हमारा दुश्मन माना जाता था, फिर भी उन्होंने अरावली और शिवालिक की पहाड़ियों को सुरक्षित करने के लिए पीएलपीए एक्ट वो लेकर आए, क्योंकि उनका ये मानना था इससे राजस्थान की रेतीली हवाएं हरियाणा में प्रवेश करने से रुक जाती हैं और यहाँ के इलाके बंजर होने से बच जाते हैं। उस पीएलपीए एक्ट में संशोधन करने का काम हरियाणा सरकार ने किया था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद आज भी बड़े बड़े पूंजीपतियों के अवैध निर्माण अरावली क्षेत्र में चल रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जो अब उनको रेगुलराइज करना चाहती है, क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए, क्योंकि जब जहाज डूबने को होता है तो सबसे पहले उसे चूहे छोड़कर भागते हैं। इसी तरीके से हरियाणा की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, ये लोग अधिक से अधिक कर्जा ले रहे हैं, ये लोग अधिक से अधिक टैक्स लगा रहे हैं, ये अधिक से अधिक ऐसे रास्ते ढूंढ रहे हैं कि जनता से टैक्स की वसूली कैसे की जाए। यही लोग हरियाणा के अंदर ये कानून लेकर आए थे, एक सेक्टर के अंदर एक कोठी में चार चार फ्लोर बनाकर बेचे जा सकेंगे, क्योंकि उनसे सरकार को राजस्व मिलेगा। लेकिन वहाँ सीवर की समस्या पैदा हो गई है, वहाँ पानी की समस्या पैदा हो गई है, उसकी तरफ इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर हजारों करोड़ खर्च करने का इन्होंने दावा किया। सबसे बड़ा घोटाला है, क्या फरीदाबाद सिटी का वो एरिया स्मार्ट सिटी बन गया जहाँ इन्होंने दावा किया था? नहीं बना, पिछले 8 साल में नहीं बना। आप ये देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, आंखों में धूल झोंकने का काम हरियाणा की भाजपा सरकार ने किया है, ठीक है। इनके राज में हरियाणा के एक ही बार जला, भाईचारा खत्म हुआ। इनके राज में इन्होंने कहा था कि हम विदेशों से कंपनियों को लाएंगे, ठीक है, ठीक है। कौशिक जी, ठीक है, कौशिक जी एक मेहमान और है उनके पास चलेंगे, ठीक है, पहले एक मेहमान है उनके पास चलेंगे, फिर आपके पास आएंगे, आराम से बात करेंगे। कृष्ण कुटेल जी, क्या उम्मीदें हैं केंद्र का बजट जो पेश किया गया था? कई तरह के आरोप भी लगे कि कहीं ना कहीं ये जनता के हित के लिए नहीं है। अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना ही, उनका भी मानना है कि ये बजट भी बेकार ही होगा, आप क्या सोचते हैं? देखिए सुरभि जी, भारतीय जनता पार्टी का जो बजट अभी, जो केंद्र का जो बजट आया है, उस केंद्र बजट के अंदर भी जो है कि पूरे हरियाणा प्रदेश को और मुख्य रूप से जो है कि किसानों को किसी भी प्रकार का जो है कि वो लाभ तक जो है कि ना मिलने की जो बात उसके अंदर है, क्योंकि पिछले वर्ष का जो हम बजट देखते हैं किसानों का वो ज्यादा, और अब की बार जो है कि केंद्र का जो बजट है वो बहुत कम है। और दूसरा जो है, भारतीय जनता पार्टी है ना, खाली जो है ये घोषणाएं करती है लेकिन उनको पूरा करने का काम नहीं। हरियाणा प्रदेश की आप स्थिति को देखें, बेरोजगारी बड़े पैमाने पे है और आज जो है कि इन्होंने कोई नई भर्ती नहीं की है। पिछले बजट के अंदर इन्होंने कहा कि हम रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई किसी भी प्रकार का जो है कि रोजगार देने का नाम नहीं है, लेकिन बेरोजगारी और बढ़ी है। दूसरा जो है कि इन्होंने पिछले बजट के अंदर कहा था कि हम किसानों की आय जो है कि वो दुगुनी करने का काम करेंगे, लेकिन वो आय भी दुगुनी नहीं हुई है। दूसरा जो है कि इन्होंने पिछले बजट के अंदर कहा था कि हम फसलों का मुआवजा देने का काम करेंगे, लेकिन फसलों का मुआवजा अभी तक जो है कि वो नहीं मिला। आगे जो है कि सरसों का जो है मुआवजा, जो है कि फसल खराब हुई है, तो वो भी अभी जो है कि इन लोगों ने जो है कि वो देने का काम नहीं किया है। आज सरकारी स्कूलों को जो है कि ये बंद कर रहे हैं, अध्यापकों की कमी है, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो है कि डॉक्टर नहीं है, मरीजों को देखने वाला कोई नहीं है, दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। दूसरा जो है कि खाली जो है कि हेल्थ कार्ड बना करके जो है कि, और ऐसे ऐसे मोटे मोटे हॉस्पिटल जो है कि इन लोगों ने जो है कि पैनल के ऊपर लिए हुए हैं, जिनकी इसकी जो है कि सेटिंग है और बड़े पैमाने पे जो है कि ये लोग पैसा लेने का काम करते हैं। और अभी एक करनाल के अंदर एक हॉस्पिटल है, अमृत धारा हॉस्पिटल है, पीछे वहां पर एक चंडीगढ़ से एक अधिकारी क्रमवीर जी है, उनकी बेटी वहां पर एडमिट हुई
और लेकिन वो पैनल पर है और स्पेशलिटी के नाम से जो है कि हॉस्पिटल खुला हुआ है लेकिन प्रॉपर रूप से जो है कि उसका इलाज नहीं हुआ और वो लड़की जो है कि वहीं पर जो है कि मौत उसकी हो जाती है। और लेकिन अभी तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है, उसको पैनल के ऊपर लिया हुआ है यानी उसको स्पेशल जो है कि तो कई बातें जो है कि यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है। अरविंद सत्यवर्त जी बोले थे ये हमारा जो बजट होगा ये गरीबों के उत्थान के लिए होगा, लेकिन मैं सत्यवर्त जी से पूछना चाहूंगा अभी इन्होंने 12 लाख बीपीएल कार्ड जो तैयार किए हैं लेकिन एक महीने का राशन ये हड़प गए, जनवरी मास का जो राशन है इन लोगों ने देने का काम नहीं किया है। दूसरा जो है अभी जो डिपो होल्डर जो राशन बांटने का काम कर रहे हैं, दूसरा कहीं पर आटा दे रहे हैं तो किसी का आटा हड़प रहे हैं, किसी की चीनी हड़प रहे हैं, ठीक है ये मामले जो है कि आप लोगों के सामने आ रहे हैं। साहब इतना समय नहीं होगा, अगर एक सवाल आपने किया है दो सवाल उनका जवाब ले लेंगे फिर आपके पास आएंगे, ठीक है। शास्त्री जी आपके पास आएंगे, दो तीन मिनट लीजिएगा क्योंकि मुझे सबसे उसके बाद आकाश जी के पास भी चलना है, तीन मिनट से ज्यादा मत लीजिएगा सर, रिक्वेस्ट है। शास्त्री जी आपने दोनों ही प्रवक्ताओं का सुन लिया, क्या सवाल था, आरोप कई थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा ये कहना है कि विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता आते हैं पैनलिस्ट आते हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, उनके पास वो जानकारी और वो डिबेट होती है जिसका उस चर्चा में कोई मतलब नहीं होता, वो सब बातें कहते हैं जो उस विषय को छोड़कर होती हैं। मुझे लगता है कि कोई चैनल कोई विषय ऐसा नहीं लेता कि वो रहता हो और उसके ऊपर चर्चा ना होती, लेकिन जो विषय होगा उसको छोड़कर सब कुछ बोलेंगे, आज बेरोजगारी बोलेंगे आज सब कुछ बोलेंगे। मैं पूछता हूं आखिर बजट का विषय जो मुझे बताया था कि बजट से पूर्व की चर्चा, अब बजट से पूर्व की चर्चा में क्या होना चाहिए, पिछले की समीक्षा होनी चाहिए और आगे आपके सुझाव होने चाहिए कि हमारी पार्टी की ओर से ये सुझाव है और ये यदि रखे जाते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। अब बात ये कहनी नहीं क्योंकि ये कहेंगे वो चीजें होने वाली है और ये कहेंगे तो फिर बात लगेगी कि आपने कहा था ये हो गया तो स्वागत करो, तो इनके मुंह में फिर कुछ आ जाता है कि वो बोला नहीं जाता, इसलिए आरोप लगाने का समय अलग होता है। और विजय कौशिक जी बहुत जल्द मत करो, कोई बात नहीं समय है अपने पास, आपकी उंगली से समय नहीं जाता, वो तो समय के साथ आता है। आप लोग जिस प्रकार का बजट चाहते हैं एक भी सेंटेंस आपने दोनों ने नहीं बोला, एक भी सेंटेंस, अपने मन की पीड़ा या किसी व्यक्ति की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आप क्या बोलते हैं। मैं पूछता हूं आप हरियाणा का कोई भी ऐसा हॉस्पिटल बताइए जिसके ओपीडी पिछले कांग्रेस के शासन काल से एक में भी कमी आई हो, मैं कहता हूं कई गुना ओपीडी बढ़ी है, किस लिए बढ़ी है साहब, वहां कुछ मिलता होगा तभी तो जाते होंगे। आदमी स्वास्थ्य के लिए समझौता नहीं करता, उसका जो सर में दर्द होता पेट में दर्द होता तो लाखों करोड़ों रुपया देने पर भी वो नहीं लेता, वो कहा मेरा पहले पेट का या मेरा रोग दूर करो। और ये व्यवस्था मैं अपने नारनौल से शुरू करके कितने लोगों के बाद जाता हूं कि वो लोग कभी भी कहीं भी हॉस्पिटल में ओपीडी की संख्या कम नहीं आई। अब आप आते हैं कि 12 लाख बीपीएल का क्या हुआ, अरे 12 लाख बीपीएल का किसी का भी राशन माने मुख्यमंत्री के ऑर्डर है किसी का ही नहीं रुकेगा, यदि किसी की ग्रीवेंसेस कंप्लीट हो गई तो उसकी स्थिति क्लियर हो जाएगी, ग्रीवेंसेस यदि कंप्लीट नहीं हुई है तो उसको वो सुविधाएं मिलेंगी। आप बोलिए, आपने तो ऐसा चित्रण कर दिया जैसे हरियाणा खत्म ही हो चुका है, हरियाणा में कुछ बाकी नहीं बचा, अरे एक दो लाइन वो बोलो यदि तैयारी करके आए हो कि बजट में ये कमी रही पिछली बार की और इसका बजट बढ़ना चाहिए, इस प्रकार की ये चीजें आनी चाहिए, ये विषय है बजट का, पॉलिटिकल डिबेट के लिए होता है ना इसमें। और माननीय मुख्यमंत्री ने पिछली बार हर विभाग के हर मंत्री को विधायक को और बाकी स्पेशलिस्ट को समय दिया कि आप बोलिए चर्चा करिए, जो जो आप कहोगे उसको हम रखेंगे, आपने एक ने भी स्वागत नहीं किया, अभी भी वो चर्चाएं हो रही है उस पर बात करिए कि चर्चा में किस किस वर्ग को लेना चाहिए, किन किन से बात करनी चाहिए, हमारे अनुसार किस बजट किस विभाग में किस जो पॉलिसी है उसका बजट बढ़ना चाहिए उसका घटना चाहिए, वो व्यर्थ है, वो सब चीजें लाना भैया, वो डिबेट के लिए डिबेट करो, केवल समय पास के लिए नहीं कि आपने कुछ लोगों को चेहरा दिखाना होगा कुछ लोगों को आपकी काउंटिंग करनी है, ऐसा नहीं, आपकी सार्थकता तब साबित होगी जब दो सुझाव देकर जाएंगे। और मैं कहता हूं गारंटी के साथ हर खबर हरियाणा के चैनल पर जो सुझाव आएंगे माननीय मुख्यमंत्री के हाथों में मैं दूंगा। आप
कौशिक साहब, कुटेल साहब, सवाल वो करिए बजट में जो कमी रह गई। अब सवाल पहले कौन करेगा वही बता दीजिए। कौशिक जी बोलिए, पहले आप बोलिए फिर आएंगे कुटेल जी के पास। कौशिक साहब सवाल पूछना कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी कब तक 6 महीने में बन जाएगा, साल भर में बन जाएगा, जो कि पिछले 8 साल से नहीं बना। ठीक है, जिसके लिए हजारों करोड़ रुपए सरकार कथित रूप से खर्च कर चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, जो सरकार स्वदेशी की बात करती थी, उसने फरीदाबाद और गुड़गांव का कूड़ा उठाने तक का ठेका, क्या भारत में कूड़े उठाने वाले लोग नहीं? आपकी सरकार ने दावा किया था कि उस कूड़े से बिजली उठाएंगे, बनाएंगे हम, और उठाने के चक्कर में आपने देखा होगा फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर कूड़े का पहाड़ खत्म बन चुका है। तो वो अपनी सरकार से पूछेगा कि इस बजट में क्या प्रावधान है, कूड़े का पहाड़ कैसे खत्म होगा। दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण है, फरीदाबाद गुड़गांव जो एनसीआर में एरिया है, इसके चलते लाखों लोग त्वचा संबंधी रोगों से, सांस संबंधी रोगों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। पूछेगा बजट में प्रदूषण को खत्म करने का क्या प्रावधान है। हरियाणा के लाखों युवक बेरोजगार घूम रहे हैं, आपकी सरकार विदेशों में जा जाकर ये मांग करती रही वहां के उद्योगपतियों से कि भाई हरियाणा में उद्योग लगाइए, तो इस बजट में क्लियर बताइएगा पिछली बार कितने उद्योग लगे और इस बार कितने बाहर से उद्योगों को लेकर आएंगे। तो मुझे कुछ भी तो बता दीजिए, यहाँ की जनता पेयजल को लेकर इतनी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है, फरीदाबाद में अधिकांश पेयजल के नमूने फेल हैं, पीने योग्य पानी नहीं है, गुड़गांव में फेल है, इसी तरीके से हरियाणा की और अन्य जिलों की स्थिति है। तो भाई इस बजट में उसके लिए क्या प्रावधान करोगे? भ्रष्टाचार आप यहाँ चरम पर है, उसके लिए बजट में क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं आप कि भाई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन सी पावर आप जनता को देने जा रहे हैं, उसके लिए क्या कोष बना रहे हैं, क्या नया सिस्टम आप खड़ा कर रहे हैं? ये जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। ये जो कैमरे लगवाए गए हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर, वो तो चोरी हो गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था की तो कहानी इतनी खराब है। ठीक है कौशिक जी, इतने सवाल काफी है, कुटेल साहब के भी सवाल होंगे, सर जवाब भी चाहिए। कुटेल साहब एक मिनट में बात पूरी कर दीजिएगा, समय नहीं है ज्यादा, जवाब भी चाहिए। देखिए मैं सत्यवर जी ने अभी जो बोला है कि भाई बजट के बारे में एक भी बात जो है कि इन्होंने यहाँ पर नहीं बोली है, तो मैंने यहाँ पर कृषि की बात को उठाया, शिक्षा को लेकर के मैंने कुछ बातें बोली है, दूसरा हेल्थ को लेकर के है, गरीबी का जो 12 लाख जो बीपीएल कार्ड है, ये तमाम बातें हैं कि भी आपकी सरकार जो है कि गरीबों के प्रति जो है कि क्या करने जा रही है और उनके उत्थान के लिए। दूसरा जो है कि यहाँ पर कृषि से संबंधित जो बात मैंने यहाँ पर बोली है, भी किसानों की पहले आपने कहा था पिछले बजट के अंदर कि भी हम आय दुगुनी करेंगे, क्या आपकी जो है कि आय अभी किसानों की जो है कि वो दुगुनी हुई है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने काम किया है, लेकिन यहाँ पर बातें बनाने से नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी चोपड़ी बातें आप बोल करके जो है कि जनता को गुमराह करने का काम ना करें, क्योंकि आज जनता जो है कि आप लोगों को समझ चुकी है। दूसरी बात, आप यहाँ पर जो है कि कितने युवाओं को आपने नौकरी देने का जो काम किया है, तो आप एक श्वेत पत्र जारी करें यहाँ पर कि पिछले समय के अंदर आप लोगों ने क्या काम किए हैं। दूसरा जो है, यहाँ पर जो है कि गरीब बच्चों की जो स्कॉलरशिप थी, जो अंबेडकर मेधावी छात्र योजना जो थी, आप लोगों ने तो उसको भी बंद कर दिया है। आज बच्चों को जो है कि छात्रवृत्ति जो है कि वो नहीं मिल रही, तो गरीबों का क्या उत्थान करेंगे? आपका जो है कि मुख्यमंत्री, आपकी सरकार जो है, जब किसी भी महापुरुष का जो है कि जन्मदिन आता है, तो आप जन्मदिन को जो है कि सेलिब्रेट करके जो है कि बड़े लच्छेदार भाषण दे करके हम जो है कि पदोन्नति में आरक्षण देने का काम करेंगे, आपका जो है कि स्मारक बनाने का काम करेंगे, लेकिन आप लोग कुछ नहीं करते, तो बातें आपकी हैं। और तुम हमारा कहने का मतलब जी ठीक है, सरकार दोबारा आई, समय कम थोड़ा कम है, कुछ सरकार दोबारा आई, लोगों ने फिर से पसंद किया, तीसरी बार चुनाव है, मुझे समझ नहीं आता कि आरोप तो कई होते हैं। ठीक है शास्त्री जी, जवाब दे दीजिए। देखिए मैं जिस बात में था कि नौकरी देने के मामले में कांग्रेस और इनलोग का दोनों का टोटल टाइम, और हमारे इस साल के टर्म को तो छोड़िए, पिछले टर्म में हम उनको क्रॉस कर दिया था। यदि आप विदेशी निवेश की बात करेंगे तो विजय कौशिक जी, हरियाणा के केवल कोरोना काल के दौरान ही पूरे भारत का 10% से ज्यादा निवेश हरियाणा के अंदर आ गया। हरियाणा ने, मारुति ने उसके साथ कितने बड़ा इन्वेस्टमेंट, आपको लगता क्यों नहीं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये तो फोबिया है कि किसी चीज को हानि करना,
और टीवी के ऊपर बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी बेचना चाहती है, क्या करना चाहती है? केवल डिबेट को आगे लेकिन कौशिक जी को पटेल जी को सुन लीजिए सर, एक तो वैसे ही समय कम है, 20 सेकंड भी सुनने दीजिए। समाज स्थिति की बात जो है वो पैमाना क्या होता है उसका गणपत घंटे का वो कोई पुड़िया नहीं होती, ठीक है? ठीक है शास्त्री जी, समय की कमी है, इसलिए मैं ये कहता हूँ बोलने के लिए समय की कमी है। सर आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश विंदल, सत्यव्रत शास्त्री, विजय कौशिक, कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ थे। आपको बता दें कि प्री बजट को लेकर आज बैठक की गई है, मंत्रियों से सुझाव भी लिए गए हैं क्योंकि बजट पेश होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां भी चल रही है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा।